यही जुमा है जिसके औकात में एक घड़ी ऐसी है, हदीस में आता है मफहूम है, जो दुआ मांगो उसी वक्त कबूल है। बास कहते हैं वो फजर के बाद है, बास कहते हैं जब इमाम दो खुतबों के दरमियान, गौर से समझिएगा, इमाम जो खुतबों के दरमियान जो बैठता है, वक्फ करता है, हाथ उठाए बगैर उसमें जो दुआ मांगे कबूल होती है। और बास कहते हैं जुमे के दिन असर के बाद जो घड़ी है उसमें है। और बास मुहद्दिसीन का यह तजर्बा है, मुहद्दिसीन का, बास कहते से मुराद मुहद्दिसीन के तजर्बात, औलिया सालहीन के तजर्बात, असलाफ अकाबरीन के तजर्बात। और बाज हजरात के तजर्बात ये हैं कि जब असर ढल रही हो और सूरज डूबने वाला हो उस वक्त जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। और बाज अहलुल्लाह का तजर्बा ये है जिस वक्त मुअज्जिन जुमे के दिन अजान कहे और अल्लाहु अकबर कहे, वो डूबता लम्हा और दाखिल होती रात का वक्त है। दिन डूब गया और रात दाखिल हो गई, वो वक्त है, वो वक्त है। وعبقري حساب।